ये रहा कोयनार का फूल, तो मैं इसी को मैं अभी तोड़ूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते रहें कैसा मैं तोड़ूंगा उस सबको। ये ऐसा तोड़ा जाता है, ये बहुत सारा फूल फूला हुआ है। तो ये ऐसा ही पत्ता के साथ लेके आया हूँ, किसी किसी में पत्ता भी है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं वही सबको मैं करने वाला हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय मसी मणि के ब्लॉग में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज ये झोला लेकर के मैं जा रहा हूँ, क्या करूँगा वो सबको मैं बताऊँगा आप सबों को। आप लोग वीडियो में बने रहें एंड तक। तो मैं जा रहा हूँ और आप सबको ये वीडियो, मज़ेदार वीडियो दिखाऊंगा। तो ज़रूर वीडियो में बने रहें, देखते रहें। मैं निकल गया हूँ और ये रास्ता में मैं जाऊंगा, ये रास्ता में मैं जा रहा हूँ थैली पकड़ के। और आज मैं एक देसी फेवरेट सब्जी के बारे में बताऊंगा, जो कि देहात के लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो मैं जा रहा हूँ, ये मैं निकल गया हूँ और यहाँ उड़द सुखाया गया है, यहाँ ये उखाड़ करके इसको सुखा दिए हैं। अभी इसको पीचा जाएगा और ये है इसका मालिक, उड़द का मालिक। ये इलेंट का मास्टर यहाँ भी है, ये लोग अभी कहाँ जा रहा है पता नहीं। तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें लास्ट तक। और मैं कुछ देर बाद मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा आप लोग को ले जा कर के। तो वीडियो में लगे रहें। ये दौली मैं छोड़ दिया था घर में, फिर मुझे वापस जाना पड़ा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ आने में। अब मैं पहुँचने वाला हूँ, तो वहाँ पर मैं साग तोड़ूँगा, वो सबको मैं बताऊँगा। ये मैं पहुँचने वाला हूँ, ये रहा पेड़ और इसी में मैं चढ़ करके अभी ये कोयनार का फूल तोड़ूंगा। दोस्तों मैं फाइनली पेड़ के ऊपर आ गया हूँ, देख सकते हैं इधर पेड़, और इसको मैं अभी तोड़ने वाला हूँ। यहाँ ये रहा कोयनार का फूल, तो मैं इसी को मैं अभी तोड़ूंगा। आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते रहें कैसा मैं तोड़ूंगा उस सबको। ये ऐसा तोड़ा जाता है, ये बहुत सारा फूल फूला हुआ है, ये तो ऐसा ही इसको ले जा करके इसको सफाई करते हैं और पका करके सब्जी बनाते हैं अच्छा से। ये बहुत ज़्यादा फूल फूला हुआ है, फूल गया है। तो ये
मैं आप लोग को और भी बताऊंगा कितना है, किधर किधर है, पेड़ में पूरा है कि नहीं है, उस सबको भी बताऊंगा मैं। ये आप लोग देख सकते हैं, तो दिखने में भी खूबसूरत दिखता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। ये मैं दूसरे डाली में आ गया हूँ अभी, ये बहुत घना हो गया है डाली और मैं ऊपर चढ़ गया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इधर भी बहुत जगह, इधर बहुत यहाँ पर है और मैं इसको भी तोड़ने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ये दिख रहा होगा कितना अच्छा ये, तो वीडियो में एंड तक बनाए रहें। इसको मैं तोड़ करके कैसा बनाऊंगा, कैसे पकाऊंगा, वो सबको भी मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ये काफ़ी ज़्यादा मैं तोड़ दिया हूँ और तोड़ने वाला अभी है, ये है, आप लोग देख सकते हैं इधर तोड़ रहा हूँ। तोड़ने का तो मैं तोड़ दिया हूँ, और भी तोड़ना है। ये आप देख सकते हैं इसमें पूरा भर दिया हूँ ये, और अभी और भी तोड़ूंगा। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग देख रहे होंगे, पूरा पेड़ में भरा हुआ है और मैं सबको अब तोड़ने वाला हूँ जितना हो सके। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते रहें। इसको ले जा कर के मैं बनाने वाला भी हूँ ये। आप लोग लाइन में अंत तक बने रहें। फाइनली मैं नीचे उतर गया हूँ, ये काट करके नीचे गिरा दिया हूँ और इसको मैं तोड़ने लगा हूँ। ये बहुत सारा यहाँ पर भी गिरा दिया हूँ और कितना तोड़ा हूँ सबको मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, देखते रहें। और अभी मैं तोड़ करके अभी घर ले जाऊंगा और कैसे बनाऊंगा सबको भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये रहा कोयनार फूल, जो कि देहात के सब्जी में से एक है। ये पूरा यहाँ पर फूल भरा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर, ये इतना भी है सब कोयनार फूल का ये सब्जी। और ये देहात में ही मिलता है तो उनके लोग इसको जानते भी नहीं होंगे। ये विशेषकर दूसरे राज्य के लोग नहीं जानते हैं, इधर झारखंड के लोग तो सबको पता है, टाउन हो या देहात हो। मैं अब इसको ख़त्म करने पर हूँ, लास्ट पोजीशन में मैं पहुँच गया हूँ। ये
मेरा लास्ट है, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। तो दोस्तों मैं अब ख़त्म कर दिया हूँ, ये मैं इतना। दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पर बैठ गया हूँ आ करके, और ये इसको मैं छांट रहा हूँ, इसको छांटना पड़ता है। तो मैं कैसा छांटूंगा वो सबको मैं आप लोग को बताऊंगा, ये छांट करके फिर इसको पकाऊंगा। तो आप लोग लाइन में बने रहें, देखते रहें कैसा छटा जाता है, उस सबको भी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो ये ऐसा ही पत्ता के साथ लेके आया हूँ, किसी किसी में पत्ता भी है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं वही सबको मैं करने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ये मैं छटने शुरू कर दिया हूँ, ये इतना ये डंठल सबको निकाल देना पड़ेगा। तो ये है, इसको अभी फिर से इसमें मैं आलू मिलाऊंगा। आलू सब्जी का राजा आलू है, और सब सब्जी में उसको मिलाया जाता है। तो मैं भी आज कोइनर का फूल के साथ आलू मिलाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैं लाऊंगा वो सब आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दें। तो दोस्तों अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे इस सब्जी को बनाने का वीडियो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू, गुड बाय।